राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आए करके राम गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या बचपन का विषय नहीं है, भक्ति को किसके लिए छोड़ दें, बचपन के लिए, बचपन के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। महाराज जो बचपन से भक्ति करता है उसको बचपन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और जिसने भक्ति बचपन में शुरू करी है फिर उसको तो फिर शमशान में ही दर्शन होंगे भगवान के। इसलिए बचपन से भक्ति करो, लेकिन बचपन गवा देते हैं। कैसे? बचपन में लाड़ लड़ा कथा का कृष्ण जन्मोत्सव होने वाला है, लेकिन समय मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो 6-7 बजे भी कृष्ण जन्म कर सकता हूं, सोच लेना, पर भंडारा नहीं मिलेगा।
घोड़ा तो दिखाओ कि हाँ भाई हमारे ब्रज के जैसे आप भी उत्सुक हो कृष्ण जन्म के लिए। हमारे ब्रज में तो जन्माष्टमी ऐसी मनती है महाराज, देखने दिखाने लायक। अपनी उत्सुकता भी तो दिखाओ। और देखो जो लोग ताली बजा के नहीं गाते ना कीर्तन में, फिर यमराज पूछेगा उनसे, हाँ भाई ताली बजाई थी तुमने कथा में, फिर क्या कहोगे? यम से कहोगे क्या जाए करके? इसलिए यमराज को उत्तर देना पड़े, प्रेम और भाव से करताल बजा के गाओ। जय हो आजी माता की, जय हो राधा रमण लाल की, जय हो। बचपन चला गया, अब युवान हो गए, तरुण हो गए, बोले अब भजन कर लो। नहीं होता भजन, काय में निकल गई जवानी। तरुण भयो तेरी या संग नाचो, तरुण भयो तेरी या संग नाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो। माया में रहो रे भर माय करके, माया में रहो रे भर माय करके, माया में रहो रे भर माय करके, माया में रहो रे भर माय करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए कैसा होता है? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का। लोग भक्ति को जब पांव काम कर रहे हो, हाथ काम कर रहे हो, आंखें देख रही हो, कान सुन रहे हो, जीभ बोल रही हो, तब नहीं करते भक्ति। कब करते हैं? बोल आंखों पे जाला पड़ जाए, नाक से नाला बहने लग जाए, बिना लाठी के चला ना जाए, अब कहेंगे भाई कथा में छोड़िया मेरे को, अब कथा सुनेंगे हम। महाराज बुढ़ापे में भजन करने, मतलब जिसने बचपन से भक्ति की बुढ़ापे तक उसके लिए नहीं कह रहा, जिसने कभी नहीं की बुढ़ापे में करे उसका जीवन कैसा है? घर में आग लग गई और तुम कुआं खोद रहे हो आग बुझाने के लिए, जल जाएगा घर, किसी काम का नहीं। घर में आग लग जाए, आग कब लगती है? युवा अवस्था होते ही शरीर में आग लगने लगती है, प्रत्येक इंद्रिया ज्वरणशील हो जाती है। उसी समय भक्ति की बौछार देने लग जाओ ताकि 55-60 की उम्र में भगवत दर्शन हो जाए। ओ जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत भक्ति क्यों नहीं की, पहले भजन क्यों नहीं किया, अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें, कुछ हो ही नहीं पाता।
तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, हाँ तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। I'm a